Hi guys, this is Vabali Kavya. How are you all? I hope you all are enjoying yourself. So guys, welcome to our channel Oxford Institute Losel. And guys, आज की वीडियो में अपन सीखेंगे all games name and sports name. So guys, let's go and start the video. Hi guys, देखिए हमारा पहला नाम है वो है लुक्का छिप्पी खेल. इसको इंग्लिश में बोलते पिकोबो या फिर हाइड एंड सीक. पिकबो भी बोल सकते हैं और हाइड एंड सी, इनका मतलब होता है लुक्का छिप्पी खेल. नेक्स्ट हमारा गाइस आँख मिचोली का खेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइंड मैंस बफ. क्या बोलते हैं? ब्लाइंड मैंस बफ, इसका मतलब होता है आँख मिचोली का खेल. नेक्स्ट हमारा गाइस पकड़म पकड़ाई का खेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैग गेम. क्या बोलते हैं? टैग गेम. नेक्स्ट हमारा गिल्ली डंडा, जो कि ज़्यादातर विलेज में खेला जाता है, तो देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिप कैट गेम. नेक्स्ट हमारा कंचो का खेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल्स. क्या बोलते हैं? मार्बल्स. नेक्स्ट हमारा स्टफ खेल को इंग्लिश में बोलते हैं हॉप स्कॉच. क्या बोलते हैं? हॉप स्कॉच. नेक्स्ट हमारा पिट्टू गेम ज़्यादातर गाँव में खेला जाता है और ये सेवन स्टोन्स के साथ खेला जाता है. बाय द वे पिट्टू खेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेवन स्टोन्स. क्या बोलते हैं? सेवन स्टोन्स. नेक्स्ट गाइस हमारा खो खो को इंग्लिश में खो खो ही बोलते हैं, खो खो. नेक्स्ट कबड्डी को इंग्लिश में कबड्डी बोलते हैं, कबड्डी. नेक्स्ट हमारा शतरंज दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है. बाय द वे इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेस. क्या बोलते हैं? चेस का मतलब होता है शतरंज का खेल. नेक्स्ट हमारा देखिए लूडो को इंग्लिश में लूडो ही बोलते हैं और जो लूडो का जो पासा होता है उसे इंग्लिश में डाइस बोलते हैं और लूडो की जो कोटियाँ होती है गोटियाँ जिसे हम खेलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं टोकन्स. क्या बोलते हैं? टोकन्स का मतलब होता है लूडो की गोटियाँ. नेक्स्ट गेम है हमारा शार्प सीडी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्नैक्स एंड लेडर्स. क्या बोलते हैं? स्नैक्स एंड लेडर्स का मतलब होता है शार्प सीडी का खेल. नेक्स्ट हमारा कैरम को इंग्लिश में गाइस कैरम ही बोलते हैं एंड कैरम की जो गोटियाँ होती है उन्हें बोलते हैं कॉन्स. क्या बोलते हैं? कॉन्स. नेक्स्ट गाइस हमारा रस्सा कस्सी का खेल दो टीम होती है इस गेम में एंड एक दूसरे के अगेंस्ट रस्सी को खींचते हैं. बाय द वे इसको इंग्लिश में बोलते हैं टग ऑफ वॉर. क्या बोलते हैं? टग ऑफ वॉर. नेक्स्ट हमारा कुर्सी बदलने का खेल, गाइस ये म्यूजिक के साथ खेला जाता है और जब म्यूजिक ख़त्म हो जाता है तब सभी को कुर्सी में बैठना होता है और जो कोई रह जाता है वो हार जाता है. बाय द वे कुर्सी बदलने का खेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजिकल चेयर्स. क्या बोलते हैं? म्यूजिकल चेयर्स का मतलब होता है कुर्सी बदलने का खेल. नेक्स्ट हमारा रस्सी कूदने का खेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्किपिंग गेम. क्या बोलते हैं? स्किपिंग गेम. नेक्स्ट गेम है हमारा रुमाल झपटा खेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉग एंड द पॉन. नेक्स्ट हमारा मुक्केबाजी एक तरीके का स्पोर्ट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉक्सिंग. क्या बोलते हैं? बॉक्सिंग. नेक्स्ट हमारा तीर अंदाजी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्चरी, ये भी स्पोर्ट ही होता है. और अगला हमारा कुश्ती को इंग्लिश में बोलते हैं रेसलिंग. क्या बोलते हैं? रेसलिंग. सो गाइस कैसे लगी आज की मेरी वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय.